इंजीनियरिंग का समावेश हो। इस तरह के विराट स्तर के प्रोजेक्ट की योजना बनाने में बरसों लगने वाले थे, जिसमें कला वास्तुशिल्प काम का पहला अहम हिस्सा पूरा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी और समय सीमा को बदला नहीं जा सकता। काम पूरा करने का समय 33 महीने। नींव रखने के लिए टापू को सपाट बनाने का काम शुरू किया गया। 1500 मजदूरों ने 4488 क्यूबिक मीटर नींव रखने के लिए करीब एक हफ्ते तक दिन रात कड़ी मेहनत की। ये आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से बड़ा और गहरा है। एक खास किस्म के सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिक्स का इस्तेमाल किया गया, जो आम सीमेंट मिक्स से ज्यादा तेजी से सेट होता है। समय सीमा 24 महीने। बीच वाले अहम हिस्से को बनाने का काम शुरू हुआ। ढांचे की ऊंचाई और वजन को सहारा देने के लिए अंदरूनी मूल को पूरी तरह ज्यादा मजबूत कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाना था, जिसकी दीवारें 5 फुट से ज्यादा मोटी थीं। इसका मजबूत होना जरूरी था ताकि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और बड़े भूकंप को झेल सके, क्योंकि प्रतिमा साइस्मिक जोन 3 पर बनी है, जहां भूकंप के हल्के फुल्के झटके कभी भी आ सकते हैं। मजबूत पकड़ बनाने के लिए ढांचे के अंदर ट्यून्ड मास डैम्पर्स नाम की एक खास चीज को बनाना जरूरी था, जो डोलन के साथ साथ आंधी और भूकंप के असर को कम करती है। इस प्रतिमा के कांसे के बाहरी हिस्से को 6,659 अलग अलग सांचों से बनाना था। बनाने के बाद उन्हें गुजरात में स्थापना वाले दिन एक बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग हिस्सों की तरह जोड़ना था। समय सीमा 10 महीने। कंस्ट्रक्शन कंपनी LNT के कांस वाले यार्ड में जबरदस्त हलचल है। स्पेशल लो बेड ट्रेलर कांसे के चट्टान नुमा पैनल्स को ले जा रहे हैं। सबसे पहले सरदार पटेल की धोती की 12 टन वाले पैनल को क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया गया। टुकड़े दर टुकड़े जोड़कर प्रतिमा को तैयार किया गया, उसी तरह जिस तरह 1945 के बाद संयुक्त भारत को तैयार किया गया था। समय 10 दिन। ये काम बहुत ही सटीक और कड़ी मेहनत का है। 4000 लोगों ने दिन रात कड़ी मशक्कत की। देश के कोने कोने से एक्सपर्ट इंजीनियर क्रेन ऑपरेटर वेल्डर और मजदूर आए और सबने मिलकर भारत की एकता की प्रतीक इस गगनचुंबी प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जन्म वर्षगांठ। गुजरात के छोटे से टापू साधु बेट पर इतिहास रचा जाने वाला है। ये वो दिन है जब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत देश को समर्पित की जाने वाली है। कांसे के सांचे में ढला हुआ 21वीं सदी का महापुरुष राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है, एक मॉडर्न मार्वल
जो उस महान इंसान का सम्मान करता है जिसने भारत को एक करने में अहम भूमिका निभाई। ये हर उस इंसान के लिए गौरव का दिन है जिसने इस सपने को साकार किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी।